और क्लास में मैथ बनाना, वो एक्स्ट्रा क्लास लगाकर हमारा सिलेबस एंड करवाना, अब सर की डांट और उनका प्यार कहाँ देख पाएंगे, ये लम्हे हमें बहुत याद आएंगे। आगे किसी का मतलब किसी को नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का नाम मतलब ऐड हुआ किसी को कौआ भाई बुरा मत मानना, किसी को कौआ तो किसी को कोरियन करके पनकाना, वो गांधी मैदान को गिरी सर के भरतवान पर बिठाना, वो आशीष का पीछे से चिल्लाकर डाउट पूछना, वो राजीव और देवव्रत का क्वेश्चन पूरा लिखे बिना ही सही आंसर देना, ये सब सब आगे याद आने वाले हैं। आएगा आएगा भाई आएगा, आगे वाला लाइन बहुत मस्त है। गलती चाहे कोई करे लेकिन सारा इल्जाम भवेश पर लगाना, उस गर्ल्स का भी नाम मतलब ऐड किया तो प्रॉब्लम नहीं है। वो मिताली का क्लास में बिना कुछ डाउट पूछे फिर भी टेस्ट में टॉप में आना, वे श्वेता का क्लास में बिना गेट लगाए अंदर आ जाना, सॉरी अगर कोई मतलब बुरा लग गया तो, आगे के लड़कों का ताली और बेंच बजाना लेकिन फिर भी पीछे वाले का जमुई ग्रुप का ही डांट खाना, वो रजनीश का गरजना और फिरांशु का चिल्लाना, वो सूरज का बहुत जोर से खिलखिलाना, वो अभिषेक का जय श्री राम वाला मैसेज आना, और इस बात पर साहू सर का गरमाना, वो निवास साहिद साहेब चंदन और कुश का गंभीर होकर पढ़ना, वो मनीष और अविनाश का कमेंट पास करना, ये जितने भी है मतलब पूरा जो क्लास हुआ है वहां से मतलब याद दिला कर रहा हूँ अभी तक, मजा आ रहा है यार, ये सब बातें बहुत याद आएंगे, अब पता नहीं कब मिल पाएंगे। बाहर से आए हुए बच्चों को घर की याद सताती थी, मेज की थाली में न जाने क्यों माँ की तस्वीर नजर आती थी, पर न जाने क्यों दोस्तों आज दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। जिन बातों का दुख था आज उन बातों पर हंसी आती है, न जाने क्यों उन पलों की यादों दोस्तों खूब सताती है। कहता था बड़ी मुश्किल से ये 2 साल कट गया, आज लगता है यारो कुछ पीछे रह गया, कई अन कहीं हजारों बातें रह गई, न भूलने वाली न सुनने वाली कुछ यादें रह गई, हम लोगों को सुअर और गधा कहकर कौन भोला करेगा, साहू सर के शादी के लिए अब लड़की कौन ढूंढा करेगा, ये समय लगता है कुछ जल्दी बीत गया।